नमस्कार दोस्तों, न्यू कॉर्बेट समाचार में आपका स्वागत है। मैं इस समय काशीपुर में हूँ और मेरे साथ कुछ दिग्गज जो है डॉक्टर है। तो स्वागत है सर आपका, और थोड़ा अपना परिचय दीजिए। हाँ, हम लोग ने इस एरिया में जितनी भी संस्थाएं थे, व्यापारिक, IMA, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और व्यापार मंडल, सब लोगों ने मिलकर इस क्षेत्र के विकास के लिए काशीपुर डेवलपमेंट फोरम का गठन किया है और मुझको इसका अध्यक्ष के रूप में चयनित करके मेरे को जिम्मा दिया है कि इस क्षेत्र का विकास किया जाए। हम चाहते हैं कि काशीपुर क्षेत्र को एक नॉलेज हब के रूप में, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट को यहाँ लाते हुए, टूरिज्म सेंटर और इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, जैसे हमारे एम्स हॉस्पिटल है गढ़वाल में स्थित है, और जो उसकी जो है कुमाऊं में भी उसकी ज़रूरत है। अभी जो यहाँ के लोगों ने अभी पूर्व जो मुख्यमंत्री थे हमारे तीरथ सिंह रावत, उनसे भेंट की थी और उनको जो है यहाँ जो एम्स हॉस्पिटल के बारे में बताया कि यहाँ पे उसकी ज़रूरत है, तो उसको जो है उसके बाद वो जो हमारे जो तीरथ सिंह रावत है, जब हमारे यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुँचे यहाँ पे, तो उन्होंने जो है वो ये जो पदभोजन उनके सामने रखा, तो फिर जो हमारे जो PM साहब है उन्होंने जो है ये कुमाऊँ के लिए एक इसको स्वीकृति किया उधम सिंह नगर के लिए। लेकिन जो हमारी जो ये भौगोलिक स्थिति और जो यहाँ पे जो जरूरत है उसके हिसाब से जो है उधम सिंह नगर के जो है काशीपुर में या कहीं और आसपास के हॉस्पिटल को जो है बनाने की मांग की जा रही है। मेरे साथ ये डॉक्टर है, इनसे ये बातचीत करते हैं कि इसकी ऐसी आवश्यकता क्यों है और अभी तक आपने इस पर क्या क्या कार्रवाई की है। सर, मैं तो आपका स्वागत है न्यू कॉर्पोरेट समाचार में। ये जो एम्स हॉस्पिटल है, ये जो आप रिकमेंड कर रहे हैं कि यहाँ पर होना चाहिए, ये क्यों होना चाहिए, थोड़ा बताइए इसके बारे में। गढ़वाल में हमारा एक एम्स हॉस्पिटल है और हम लोग बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे कि काशीपुर में एम्स की एक शाखा यहाँ पे खुले। उसके लिए हमने शुरुआत करी थी कि जब हमारे तीरथ सिंह रावत जी मुख्यमंत्री बने, तो हमने एक सोच के साथ उनको ज्ञापन दिया कि आप एम्स की एक शाखा और IIT की एक शाखा कुमाऊँ के लिए अलॉट करें। जिस हमारी किस्मत अच्छी है कि उसी के थोड़े दिनों के बाद प्रधानमंत्री जी से हमारे तीरथ सिंह रावत जी की मुलाकात हुई, जिस पर उन्होंने हमारी मांग को प्रधानमंत्री के आगे रखा। तो उन्होंने विचार करने के लिए सहमति दी। उसके लगातार प्रयासरत थे, हमारे प्रयास और हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के बनने के बाद उनके प्रयासों से ये कुमाऊँ के लिए एक सेंशन हुआ और प्रधानमंत्री जी ने उधम सिंह जिले के लिए एक एम्स की सैटेलाइट सेंटर की घोषणा की। अब हमारा ये कहना है कि उधम सिंह जिला दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक जसपुर से लेकर रुद्रपुर तक और एक रुद्रपुर से लेकर खटीमा तक। अब रुद्रपुर से खटीमा तक मेडिकल सुविधाएं बहुत उपलब्ध है। रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज है और ESI हॉस्पिटल है, हल्द्वानी में मेडिकल कॉलेज है, अल्मोड़ा में खुलने जा रहा है और पिथौरागढ़ में आने वाले टाइम में अनाउंसमेंट होती है। साथ ही जो लगा हुआ बरेली है वहां पे 3 मेडिकल कॉलेज है, वहां पे इतनी सरकारी मेडिकल सुविधाएं हैं जो वहां के गरीब जनता के लिए काफी फायदेमंद है। जबकि रुद्रपुर से जसपुर तक और अगर मैं कहूँ कि रामनगर और गैरसैन तक अगर देखा जाए तो कोई भी सरकारी सुविधाएं हमारे यहाँ उचित उपलब्ध नहीं है। हमारी ये मांग थी कि यहाँ के बाजपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक स्पॉट भूमि है, यहाँ पे ऑलरेडी IIM जैसी संस्था कार्यरत है, वहाँ पर 100 एकड़ भूमि एम्स को दी जाए और वहाँ पे स्थापित होने से हमारे गैरसैन, रानीखेत और ये रामनगर के जितने भी ऊपर, अगर आपको के संज्ञान में होगा, कोरोना के टाइम में हजारों पेशेंट यहाँ से रामनगर और काशीपुर होते हुए दिल्ली एम्स में एडमिट हुए। हमारा ये मांग है कि मोदी जी का जो नारा है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, उस नारे को ध्यान में रखते हुए
काशीपुर क्षेत्र जो कि उत्तराखंड के निर्माण के बाद सबसे पिछड़ गया है, यहाँ पर ये सुविधा का उपलब्ध होना एक जरूरी, अगर हमारी ये आवाज हमारी ये बात उन तक पहुंच गई तो यकीनन वो इसको प्रायोरिटी देंगे। परंतु काशीपुर जो राजनीति में सबसे पिछड़ा हुआ भी है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा दिग्गज नेतृत्व नहीं है जो कि हमारी बात को सामने रख सके, इस वजह से राजनीतिक से प्रभावित होकर ये किच्छा की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। जहां ऑलरेडी इस तरह की सुविधाएं बहुत उपलब्ध है हमारी आपके चैनल के माध्यम से, और इधर जो हमारे हम हमारी जो आवाजें सुन रहे हैं उनके माध्यम से हम अपील करते हैं कि ये सेवा अगर ये सुविधा काशीपुर को मिली तो बिजनौर जिला, मुरादाबाद जिला और रामपुर जिला, हमारे गैरसैंण, रानीखेत और अल्मोड़ा का वो एरिया जो कि रानी जो कि रामनगर के नज़दीक है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। वहाँ के लाखों गरीब लोग जो आज घर घर के भटकते हैं, जिनको पूरी चिकित्सा की सुविधा नहीं मिलती, उनको उपलब्ध हो पाएगी, ये हमारी एक मांग है और एक डिमांड है। सर ने जैसे बताया, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे मांग रही है, कई लोगों को इसको जरूरत भी है, जमीन के बारे में भी आपने बताया, तो ऐसा क्या है, कौन सा ऐसा पेच फंसा हुआ है जिसकी वजह से जो ये रिकॉर्डें पैदा हो रही है? ये सिर्फ राजनीति, हमारे 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 जैसा मैंने बताया, हमारे हमारे काशीपुर या काशीपुर के आसपास का ऐसा कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है, जबकि हमारा ये मानना है कि 20 साल जब से उत्तराखंड बना है हम बीजेपी के ही विधायक को चुन रहे हैं, ब्लाइंड सपोर्टर हैं, हमें उम्मीद थी कि हम पर कृपा दृष्टि रखी जाएगी, हमको प्रायोरिटी दी जाएगी, परंतु इसके विपरीत हमको इग्नोर किया जा रहा है, हमको हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। मैं एम्स के उन निर्णय लेने वालों से भी अपील करता हूं कि डिसीजन लेने से पहले, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जल्दी ही आने जा रहे हैं, उनके आने से पहले राजनीति प्रभावित ना होकर अगर वो एक चयन करें और काशीपुर को अपनी चयन में, हम कहते हैं कि वो ये बता दें कि काशीपुर क्यों नहीं और किच्छा में ऐसा क्या पॉजिटिव है जिसकी वजह से वो किच्छा लेके जा रहे हैं और जो काशीपुर के लोगों को यहाँ से एक सुविधा से वंचित कर रहे हैं। मैंने सबसे बात की, उन्होंने बताया कि जो ये जो एम्स हॉस्पिटल है ये 5 जिलों को प्रभावित करेगा और सिर्फ जो किच्छा की जो बात की जा रही है, सिर्फ राजनीति के चलते वहाँ किच्छा में उसको ले जाया जा रहा है। मेरे साथ एक दिग्गज डॉक्टर है SD गुप्ता जी, यहाँ पे करीब 40 साल से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और यहाँ के आसपास के क्षेत्र इनको मसीहा के नाम से भी जानते हैं। आइए इनसे पूछते हैं, जैसे अब कोविड की लहर भी चलने वाली है और एम्स हमारे यहाँ पे क्यों जरूरी है? सर पहले तो स्वागत है आपका न्यू गवर्नमेंट समाचार में, आप थोड़ा बताइए कि एम्स की हमें क्या क्यों जरूरत है जाना? एम्स की जरूरत इसलिए है कि इस एरिया में काशीपुर के 420 किलोमीटर एरिया में कोई भी उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, जो कि हमारी गरीब जनता के लिए बहुत परेशानी का कारण है। आप देखें कि चिकित्सा सुविधा में हमेशा समय बहुत ही कीमती होता है। अगर पहाड़ का आदमी जो कि गैरसैंण से है या रानीखेत से है, सर से है, जो आ रहा है काशीपुर आने में, किच्छा जाने में, यहाँ से किच्छा जाने उसको 2 घंटे और ज़्यादा लगेंगे, तो उसमें उसका समय बर्बाद होगा, समय बर्बाद होने से उसको चिकित्सा सुविधा समय पर उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो उसके जो है जो जान है उसको बचाने में हम लोग जो है ज़्यादा यहाँ पे अगर एम्स आता है तो उसको ज़्यादा सुविधा मिलेगी और वो ज़्यादा लाभान्वित होगा। हम देख रहे हैं पिछले 40 सालों से जो सब मरीज जिनको हमें बाहर रिफर करना पड़ता है वो या तो हम ऋषिकेश एम्स भेजते हैं या दिल्ली एम्स भेजते हैं, जिनको मरीजों को बहुत परेशानी होती है। इसलिए अगर इस सेंटर में, इस क्षेत्र में, इस बीच में जो कि सेंटर पड़ता है, अगर यहाँ मरीज को सुविधा मिलेगी तो जरूर ही लाभान्वित होगा। सर जैसे मैंने अभी बात करी दो सर से, दिग्गज डॉक्टर हैं, इन्होंने बताया कि एम्स का यहाँ पे होना बहुत जरूरी है, कोई भी जो हमारे स्कीम आती है, हमारी सरकार स्कीम बनाती है वो जनता के लिए भलाई के लिए बनाई जाती है, लेकिन ये जो एम्स की बात की जो जिसको जो प्रधानमंत्री जी ने भी स्वीकृत कर दिया है कुमाऊं में, 5 जिले यहाँ प्रभावित होते हैं इससे,
सिर्फ किच्छा की वजह से जो है वहाँ पे उसको रिकमेंड किया जा रहा है, वहाँ पे राजनीति के चलते वहाँ कहा जा रहा है कि किच्छा में मौजूद, जबकि सब लोगों ने बताया कि वहाँ पे मेडिकल कॉलेज बहुत सारे हैं। तो ये मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये सारा इसका भौगोलिक और जो है इसकी जाँच कर लें और एक मीटिंग बैठा लें कि इसकी जरूरत कहाँ पर है, उसी हिसाब से जो है ये एम्स हॉस्पिटल जो है इसकी स्थापना की जाए। यहाँ पे जो है हमारे जैसे कुमाऊँ जो हमारा रामनगर क्षेत्र है, कुमाऊँ गढ़वाल सब प्रभावित होता है और सब ने जैसे बताया पांच जिले यहाँ पे प्रभावित है, तो यहाँ पे इसकी ज़्यादा आवश्यकता है। तो मैं भी चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सर सरकार को सोचना चाहिए जहाँ पे इसकी ज़्यादा ज़रूरत है वहीं पे इसको जो है इसका निर्माण करना चाहिए, जिससे हर तरह के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। सर लास्ट में कुछ और कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए ये सोच कि एम्स की एक शाखा कुमाऊँ में खोली जाए हम लोगों की है, काशीपुर डेवलपमेंट फोरम जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, राजीव खई मेरा नाम है। हमारी सोच, हमारा प्रयास, और जब ये अलॉट हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने किया तो इसको हाईजैक करके दूसरी जगह ले जाना एक हमारे साथ सरासर अन्याय। हमारे लगातार प्रयास हैं, हम बहुत सकारात्मक सोच के लोग हैं, हम हमेशा चाहते हैं कि उत्तराखंड का विकास हो। राजनीति से लिए गए निर्णय दूरगामी नहीं होते, वास्तविकता में अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो वो ही हो। जैसे आज की तारीख में हाई कोर्ट जो बना है वो एक राजनीतिक सोच के हिसाब से बना था, परंतु आज वहाँ बनने की वजह से आज उसको शिफ्ट करने का विचार हमारे मुख्य न्यायाधीश सोच रहे हैं। तो इसी तरह कल ये ना हो कि यहाँ के लोग फिर ये सोचते रहे कि ये फिर राजनीति से प्रभावित होके एम्स एक ऐसी जगह पहुंच गया जिससे कि 50% से ज्यादा लोग उसके उसका फायदा नहीं उठा पा। अभी जैसे मैंने बात की सर से, मैंने बताया पूरी स्थिति के बारे में बताया, मैं भी चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि सरकार को इसको जो है इस पर ठोस निर्णय लेना चाहिए और ये जो है एम्स जो हॉस्पिटल है ये राजनीति की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। काशीपुर से ड्यू कॉर्बेट समाचार से उधम सिंह राठौर की विशेष रिपोर्ट।